यह देख करके दुख भी हमें होता है जिस राज्य से मैं आता हूं कि हमारे बिहार से ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में एक भी खिलाड़ी नहीं है महोदय। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। चर्चा के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और महोदय, यह खिलाड़ियों एवं देश के लिए महत्वपूर्ण क्षण है और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम आशा और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी देश के लिए अनेकों मेडल लेकर के यहाँ पर आएंगे। महोदय, हम एक दो बातों का जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। बहुत दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे बच्चियाँ हमारे देश के लिए मेडल लाने का काम करती हैं और उन्हें अपने ही देश में इंसाफ पाने के लिए रोड पर बैठना पड़ता है और उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को लज्जित होना पड़ता है। महोदय, खेलो इंडिया के तहत 1047 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार को और माननीय मंत्री जी से कि जब खेलो इंडिया की बात आ रही है तो ये खेलो इंडिया का बजट देश के सभी पंचायतों में जाना चाहिए। सभी जगह पर खेल के प्रति केंद्र सरकार का वहाँ पर योगदान हो ताकि हमारे सुदूर इलाके से, गांव से भी बच्चे बच्चियाँ अपने प्रतिभा को जो गांव में दब के रह जाती है उसे राज्य और देश में दिखाने का अवसर प्रदान हो। एक बात और हम कहना चाहेंगे महोदय, अभी जैसा कि आदरणीय संजय जायसवाल जी ने बताया कि ओलंपिक के होस्ट के लिए अहमदाबाद में सर्वे कराई जा रही है, हमारा एक आग्रह होगा कि हम पिछड़े राज्य बिहार से आते हैं और इंटरनेशनल पैलेस जगह है वो, जहां पर राजगीर में स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है और वहीं पर बगल में बोध गया है जहां पर यूनिवर्सिटी भी है, मगध यूनिवर्सिटी बड़ा कैंपस है और खेल का मैदान भी वहां पर है। अगर वैसे जगह पर भी अगर केंद्र सरकार अगर ओलंपिक होस्ट के लिए अगर चयन करे तो मैं समझता हूं कि पिछड़े राज्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात महोदय, यह देख करके दुख भी हमें होता है जिस राज्य से मैं आता हूं कि हमारे बिहार से ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में एक भी खिलाड़ी नहीं है महोदय। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कहां पर कमी है? स्टेडियम का निर्माण सब जगह पे हो रही है। हाल ही में बिहार के एक स्टेडियम की तस्वीर वायरल हुई क्योंकि स्टेडियम बहुत ही खराब स्थिति में था। तो ये बातें सिर्फ बिहार की ही नहीं है महोदय, ये अमूमन सभी जगह है। हमें पूरे देश में खेल के मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करने की आवश्यकता है महोदय। प्रशिक्षण हमें अनुभवी प्रशिक्षकों और कोचों की नियुक्ति करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण विधियों में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें स्कूलों और समुदायों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पंचायतों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत जो बजट लाई है वो बजट देश के सूबे पंचायत में जाए और
देश के पंचायत में देकर और खास कर करके वहाँ पर महिलाओं को इसमें भागीदारी अधिक दी जाए। हम इन्हीं बातों के साथ, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।